जी जी तारिक, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सह संयोजक हैं बजरंग दल के, हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे। ये यहाँ आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये योगेश राज की पैरवी करेंगे, और यही नहीं करेंगे, इनके साथ और भी इसमें कुछ एडवोकेट्स रहेंगे, तो हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरा प्रकरण। जी, आपका ईटीवी में प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक महीने का समय भी लगा है, तो योगेश राज को आपका जो अपना मत है योगेश राज के विषय में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले दिन से स्पष्ट करते आ रहे हैं कि योगेश राज निर्दोष है। उस दिन दो घटनाएं हुई थी, पहली गौकसी की, जिसके बाद योगेश राज वहां गया। जब प्रशासन ने हमारी मांगे मान ली तो मुकदमा दर्ज कराने वो थाने चला गया, तो जिसके बाद ये दूसरी घटना वहां घट जाती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसका रोल कितना था क्या नहीं था। तो पुलिस की विवेचना जब तक चलती है, जब तक चार्जशीट नहीं लग जाती, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं वो निर्दोष है। यदि पुलिस उसे अपना दोषी मानती भी है तो हमारे समक्ष न्यायालय का मार्ग रह जाता है, और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय में वो निर्दोष साबित होगा। प्रवीण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वीडियो जो सामने आए उनमें भी देखा गया योगेश राज को, तो आप उसके बाद भी कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उस दिन दो घटनाएं हुई। वो जो वीडियो है, पहली दिन पहली घटना का है, जब गौकसी की घटना के बाद वो प्रशासन से अपनी मांग रख रहा था। दूसरी जो वीडियो आई है, वो पत्थर मारते हैं, उसमें कहीं भी योगेश राज नहीं दिखाई देगा आपको, तो वो दूसरी घटना में था ही नहीं, तो उसकी वीडियो मिलना संभव ही नहीं है। तो अगर वो होता तो पुलिस कहीं ना कहीं उसको दिखा चुकी होती है, और मीडिया वाले भी उसको दिखा चुके होते। एक बात और यहाँ है कि ये आप मानते हैं कि जो गौकसी जो हुई थी वहां पर, उसमें जो मुकदमा भी लिखवाया गया था योगेश राज की तरफ से, उसमें जो चार लोग ऐसे थे जो बाद में पुलिस की जांच में बाहर हो गए, तो इस प्रकरण पे आपका क्या मत है? देखिए, योगेश राज ने किन लोगों के नाम लिखवाए थे, जब उससे बातचीत होगी, जेल जाने के बाद मुलाकात होगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि किन लोगों के नाम उसने लिखवाए थे और झूठे लोग थे कि नहीं थे, तो सारी चीज़ें बात के बाद संभव हो पाएंगे। और यदि पुलिस ने उन्हें विवेचना में निष्पक्ष पाया, तो कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि वो योगेश के प्रति भी ऐसी निष्पक्ष जाँच करेगी और वो निर्दोष साबित होगा। एक बात यहाँ पर और भी है कि कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि इसमें संरक्षण कहीं ना कहीं मिला हुआ था, जो इतना समय लग गया, तो इस पे क्या आप इसमें क्या कहेंगे कि क्या आप कहीं आपके जो संगठन है जी, वो सपोर्ट कर रहा था योगेश राज? नहीं, योगेश राज के साथ पूर्णतः संगठन है, किंतु संरक्षण देना एक तो ये विवेचना का विषय है कि उसको किसने संरक्षण दिया, कितने दिन वो किसके पास रहा, ये तो सब विवेचना की चीज़ें हैं। तो पुलिस इसे विवेचना में स्पष्ट करेगी, वो कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, तो वो पुलिस को बताएगा, क्योंकि संरक्षण देना कानून में स्वयं ही अपराध है। तो कहीं ना कहीं बस हम उसके साथ न्यायिक तरीके से हैं, जितनी लीगल उसकी मदद होगी उतनी की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने 10 वकीलों का पैनल घोषित कर दिया है, तो वो वकील उसके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे और बेहतर लीगल टीम उसके साथ रहेगी। तो योगेश राज के प्रकरण में इनका कहना है कि 10 वकीलों का एक पैनल नियुक्त किया गया है और वो पूरे टाइम साथ रहेगा। हम इनसे और भी कुछ जानना चाहेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जिस तरह से आप मतलब उन्हें, एक तो आप मानते हैं कि वो इसमें कहीं भी कसूरवार नहीं है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे जो गौवंश थे वो जो सड़क तक लाए गए 4 किलोमीटर महाउगाम से, उसमें भी भूमिका उनकी आ रही थी योगेश राज की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी पहले भी कह रहा हूँ कि स्पष्ट विवेचना में हो पाएंगी। योगेश राज का कितना रोल था, कितनी भूमिका थी, ये तो चार्जशीट लगने में स्पष्ट हो पाएगा, उससे पहला कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो अभी इसमें संगठन साथ खड़ा है योगेश राज? जी, संगठन पूरी तरीके से योगेश राज के साथ है, क्योंकि वो निर्दोष है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी जो आप SSP ऑफिस आए हैं, क्या आप आला अधिकारियों से इस बारे में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे? हाँ, उनसे बात की जाएगी कि निष्पक्ष जांच हो, सही तथ्य सामने आए, निर्दोष कोई व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए, कोई दोषी जो हो वो बचने नहीं चाहिए, तो इस प्रकार की बात उद्देश्य लेकर के मैं आया था। अभी भी प्रवीण जी, अभी भी कई लोग हैं जो पकड़ के बाहर हैं, जिसमें BJP के जो नगर अध्यक्ष हैं शाना के, वो भी बाहर हैं, और भी संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी बाहर हैं। तो ये जो पूरे सभी जो बाकी, क्योंकि कुछ इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ सरेंडर भी हुए हैं, तो क्या आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं कि ये जो अभी तक जो बड़े चेहरे थे इसमें, वो अभी तक भी मतलब बाहर हैं, हालांकि अब योगेश राज को गिरफ्तार किया गया है? ये बड़ा चेहरा कौन है, छोटा कौन है, तो सब पुलिस को तय करने दीजिए, हम और आप तय ना करें तो बेहतर होगा। विवेचना में मुख्य आरोपी कौन है ये पुलिस तय करे, हम और आप मिलकर के बैठकर तय ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक एक भी बार नहीं कहा कि वो मुख्य आरोपी है। तो वो मुकदमा पहला नाम किसका होता है उस आधार पर नहीं चलता, रोल के आधार पर चलता है। तो वही है कि हम और आप किसी को मुख्य आरोपी मान लें या बोल दें तो मुख्य आरोपी नहीं हो जाता। तो विवेचना जब तक चार्जशीट पूरी नहीं लग जाती, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है।
तो साकिर हम आपसे बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो बजरंग दल जो संगठन है वो अपने जिला संयोजक को बेकसूर मानकर चल रहा है और इसमें आगे अभी ये लड़ाई लड़ेंगे, पैरवी इसमें करेंगे। जी साकिर,